नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सबका स्वागत है पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपका सुखी विवाह कैसे होता है, अपने हाथों में कैसे देखते हैं। विवाह होना एक संयोग है और एक विवाह सुखमय हो जाए तो जीवन काफी खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और एक रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, जिसकी हम विचारों की रेखा कहते हैं, और इसी प्रकार बुद्ध पर्वत से चलकर गुरु पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्रेम की रेखा कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो सुखी जीवन कैसे दर्शाता है कि सुखी। विवाह होना एक बहुत बड़ा विषय है। आजकल के समय में सभी विवाह के लिए प्रेरित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं कि मेरा विवाह सुखी जीवन के आधार पर हो जाए। और जैसे विवाह का हम संयोग देखते हैं, ये बुद्ध का जो पर्वत है, इसको हम बुद्ध का पर्वत बोलते हैं। ये बुद्ध का पर्वत है, बुद्ध का पर्वत। बुद्ध के पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा, जो आड़ी रेखा लिए हुए होती है, उसको हम विवाह रेखा बोलते हैं। जैसे कि ये आड़ी रेखा, आड़ी रेखा हमेशा विवाह का संकेत देती है। एक रेखा कभी भी प्रेम के संचार को नहीं भरती है, उसके साथ एक रेखा का होना अवश्य है। अब जैसे ये बड़ी रेखा और इसके साथ एक छोटी रेखा, इसमें एक तरह का संचार भरने का काम कर रही है, लेकिन विवाह वही होगा जो आपकी बड़ी रेखा बता रही है, और उस बड़ी रेखा के आधार पे हम विवाह की गणना भी करते हैं। अब जैसे इसकी एज का अंतराल लेते हैं तो इसका हम 50 का एज मानते हैं, 50 का एज। अगर इसके मिडल में बनता है तो 25 के एज में विवाह का संयोग माना जाता है। इसी प्रकार से अब विवाह का सुखमय विवाह की बात हमने की है। अब यहां पर क्रॉस हो, क्रॉस सुखी जीवन को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन को मधुर बना देता है। और ये क्रॉस अगर हमारे इस जीवन रेखा की तरफ खिसका हो, जीवन रेखा की तरफ खिसका हो, तो ऐसे में विवाह जल्दी होने का संकेत देता है। अगर यही रेखा थोड़ी सी ऊपर की तरफ संकेत दे, ऊपर की तरफ यहां पे दे, तो ये थोड़ा सा विवाह लेट होने का संकेत बताती है। और इसी विवाह हृदय रेखा से, हृदय रेखा जितनी बड़ी हो, ये हृदय रेखा हमारी जितनी भी बड़ी हो, हमारे प्रेम की सूचक मानी जाती है, एक प्रमुख माना जाता है। ऐसे लोग सच्चे प्रेमी होते हैं। कहते ना, विवाह में हृदय रेखा जितनी बड़ी होती है वो हमारे प्रेम संचार को भरती है, हमारे प्रेम को प्रगाढ़ में बदल देती है। और इसी से एक रेखा निकलकर इस गुरु के पर्वत की तरफ जाए, इस गुरु के पर्वत पे जाए, या एक रेखा इस मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाए। ऐसे लोगों का जो विवाह होता है ना, जीवन साथी का ख्याल रखने वाले होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब इसी के साथ, अब जैसे ये विवाह रेखा है, विवाह रेखा बड़ी हो सुखमय विवाह को दर्शाती है, और इसी एक सूर्य रेखा से आकर मिल जाए, ये सूर्य रेखा से आकर मिल जाती है। ऐसे लोगों का जो विवाह होता है एक नेम फेम व्यक्ति के साथ होता है, जिसको कहते हैं ना प्रसिद्धि वाला व्यक्ति होता है, काफी मशहूर या बड़ा पद वाला व्यक्ति मिलता है उसको विवाह में। और इसी के साथ
इसी हृदय से, इसी हृदय रेखा की तरफ जो ऊर्ध्वमुखी रेखाएं बनती हैं, गुरु बुध की तरफ मुड़ गई, सूर्य की तरफ मुड़ गई, शनि की तरफ मुड़ गई। ये जीवन में ऐसे लोगों का जो होता है ना, जीवन और सौभाग्य बन जाता है, धन की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, और उसका जीवन काफी खुशहाल और धन धन के मामले में काफी अच्छा माना जाता है। इसी तरह से ये शुक्र का पर्वत है, इसको हम शुक्र का पर्वत बोलते हैं, शुक्र का पर्वत। शुक्र का पर्वत हम जब भी लड़कों का हाथ देखते हैं तो शुक्र का पर्वत देखते हैं, उसके अंदर प्रेम की भावना को जागृत करता है, प्रेम की भावना को बढ़ाता है शुक्र का पर्वत। अगर ये शुक्र का पर्वत उठा है, मीडियम का है, तो आपके अंदर प्रेम की भावना